राष्ट्रीय उच्च मार्ग 3 निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन वहाँ लोगों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो कंपनी वहाँ निर्माण कार्य कर रही है उसको कई बार स्थानीय वार्ड सदस्य ममता धूमल की अध्यक्षता में रोष प्रदर्शन कर अपनी समस्या बता चुके हैं। वही सोमवार को समीरपुर गाँव का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्या को लेकर उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा से मिला। वही गाँव वासियों ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के माध्यम से उपायुक्त हमीरपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित समस्या से अवगत करवाया गया था और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने भी पत्र के माध्यम से उपायुक्त हमीर को समस्या के बारे में अवगत करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी के अधिकारियों ने समस्या को लेकर आंखें मूंदे रखी और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं प्रीतम सिंह ने बताया कि जहां ये समस्या है वहीं मेरा घर है। मेरे घर के पास ही मेरे 50 से 60 कनाल भूमि है जहां बाहर से मिट्टी लाकर ढेर लगा रहे हैं जिससे सारी फसल बर्बाद कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मौके पर जाकर निरीक्षण करे और मुझे मुआवजा दिलाया जाए। सर क्या समस्या? जो कंपनी है ना जी, इन्होंने नालियाँ जो है ऊपर बना दी हैं, रोड से ऊंची हैं और पार्किंग की समस्या इसमें आ रही है, उसकी वजह से सड़कें में दलदल है। मकान जो है उनको डंगे नहीं लगा रहे हैं, उनको मतलब जो है वो पहाड़ी को उखाड़ दिया गया है, हर समय खतरा है, लोग सो नहीं रहे हैं, पानी की समस्या है और ये जो कंपनी है कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जब भी इनसे बात की जाती है तो बोलते हैं कि हम कर रहे हैं और करते कुछ नहीं। जब पिछली बार मीटिंग हुई थी तो क्या मीटिंग के दौरान उस मीटिंग में सभी मुद्दे उठाए गए थे लेकिन उन्होंने किया कुछ जो टौनी देवी में। मैं प्रीतम सिंह हूँ, जहाँ जी ये समस्या है वहाँ पर मेरा घर है और मेरे मतलब क्या तकरीबन 50-60 कनाल जमीन है और इन्होंने वहाँ से दूर दूर से मिट्टी लाकर वहाँ ढेर कर दिया और पूरी फसल बर्बाद कर दी। मतलब क्या भाई कुछ में नहीं छोड़ा है, आकर चाहे प्रशासन मौका करे और मौका देकर मुझे इनकी मुआवजे की ये करे। मतलब यह मेरा 10,000-12,000 रुपया मतलब यह ट्रैक्टर की बुआई का आया है खर्चा, इन्होंने तमाम मेरा मतलब यह जो भी मतलब यह जमीन है वो सब बर्बाद कर दी। मेरी यही प्रार्थना है प्रशासन से कि आकर मौका करे और इसका पूरा मानना करे और मुझे मुआवजा दिलाया जाए। स्थानीय वार्ड सदस्य ममता धूमल ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि लोगों को अधिक परेशान होना पड़ रहा है, कई लोगों के घर गिरने वाले हैं, कई लोगों की गौशाला गिरने वाली है। उन्होंने कहा कि लोगों के घरों व गौशाला को पक्के डंगे लगाए जाएं ताकि लोगों के घर गिरने से बच सके। बहुत परेशानी हो रही है सबको, मतलब उनका भी घर गिरने वाले है, कईयों की गौशाला गिरने वाली है, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए प्रोटेक्शन वाल बन जाए और अभी 1 तारीख से स्कूल भी लगने वाले हैं तो बच्चों को भी चलने के लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाए, रास्ते बन जाए। हमारे पास इतनी अपील है सरकार से और डीसी से। मैडम काफ़ी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, बीच बीच में लोग भी मिले हैं, अभी तक समस्या का क्या निपटारा नहीं हो पाया? अभी नहीं हुआ, धूमल जी ने भी हमारे उन्होंने भी यहाँ पे अपना लिख के दिया था कि ऐसे ऐसे उनका काम किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन ने कोई भी कार्य शुरू नहीं किया। जब किया होता तो हम आते ही नहीं, लेकिन अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम धरना दें या चक्का जाम करें, इसके लिए तो प्रशासन के लिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 3 निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन वहाँ लोगों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो कंपनी वहाँ निर्माण कार्य कर रही है उसको कई बार स्थानीय वार्ड सदस्य ममता धूमल की अध्यक्षता में रोष प्रदर्शन कर अपनी समस्या बता चुके हैं। वहीं सोमवार को समीरपुर गाँव का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्या को लेकर उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा से मिला। अब देखना होगा कि प्रशासन इनकी समस्या पर क्या गौर करता है। पंजाब के सी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।